आज हम बहुत टेस्टी, हेल्दी, क्रिस्पी और साथ में कलरफुल नाश्ता बनाएंगे। इसमें हम कलर्स का यूज़ नहीं करेंगे, ये एकदम हेल्दी वे में बनाएंगे। और इस नाश्ते को हम एक चम्मच ऑयल में बनाएंगे, मतलब ऑयल का भी ज़्यादा यूज़ नहीं होगा। और देखने में ही ये देखिए कितना सुंदर लग रहा है, और खाने में तो ये बहुत ही टेस्टी है। और ये देखिए अंदर से कितना सॉफ्ट बना है। इसे बनाना बहुत आसान है, तो चलिए फटाफट से रेसिपी को शुरू करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मैं मलिका खुराना हेल्दी रेसिपीज होम में आपका स्वागत करती हूँ। सबसे पहले हम एक बॉल लेंगे और मेजरमेंट के लिए एक कटोरी ले लेंगे। एक कटोरी हम सूजी मतलब रवा लेंगे। सूजी आप मोटी या बारीक कोई भी ले सकते हैं। इसी कटोरी के नाप से हम आधा कटोरी बेसन लेंगे। आधा कटोरी से थोड़ी सी ज्यादा हम दही लेंगे। यदि दही ज्यादा खट्टी है तो आप आधा कटोरी भी ले सकते हैं, और यदि एकदम नॉर्मल है तो आप एक कटोरी भी ले सकते हैं। मैंने यहाँ पे 3/4 कटोरी ली है। इसी कटोरी में 2 चम्मच पानी डालेंगे और वो भी डाल देंगे। सबको अच्छे से मिक्स करेंगे। थोड़ा सा पानी हम और डालेंगे और मिक्स करेंगे। बैटर की कंसिस्टेंसी कुछ इस तरह की होनी चाहिए, ना बहुत गाढ़ी और ना बहुत पतली। 5 से 10 मिनट बैटर को रेस्ट करने देंगे। 10 मिनट हो गए हैं और ये देखिए सूजी फूल गई है, बैटर की कंसिस्टेंसी थिक हो गई है। थोड़ा सा पानी डालेंगे और मिक्स करेंगे। ये देखिए ये कंसिस्टेंसी एकदम परफेक्ट है। अब इसमें हम 1/2 टीस्पून नमक डालेंगे। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज्यादा कर सकते हैं। 1 बड़ा चम्मच मैंने यहाँ पे खांड डाली है, आप इसकी जगह पे शुगर भी डाल सकते हैं, चीनी भी डाल सकते हैं। 1/2 चम्मच जीरा डालेंगे, 1 चम्मच ऑयल। इन सबको अच्छे से मिक्स करेंगे। 1 हरी मिर्च को भी छोटा छोटा काट के डाल लेते हैं, और करी लीव्स को भी कट करके डाल लेंगे। मुझे करी लीव्स का फ्लेवर इसमें बहुत अच्छा लगता है। आप चाहें तो इसकी जगह पे हरा धनिया भी डाल सकते हैं, या फिर कुछ भी ना डालें, आपकी मर्जी है। यदि बच्चों के लिए बना रहे हैं तो हरी मिर्च भी स्किप कर सकते हैं। हमने इस नाश्ते का बेस बना के तैयार कर लिया है। अब हम 4 कटोरियां और लेंगे। 1 लैडल भर के बैटर हम 1 कटोरी में डालेंगे, और ऐसे ही हम दूसरी, तीसरी, चौथी सारी कटोरी में डालेंगे। इस बैटर को हमने 5 जगह पे इक्वल डिवाइड कर दिया है। अब हम पहले इस नाश्ते को स्टीम करने की तैयारी करेंगे। आज हम इसे स्टीम कढ़ाई में करेंगे। कढ़ाई के अंदर हम पानी डाल देंगे, साथ में स्टैंड रख देते हैं। जिस कंटेनर में हमने स्टीम करना है उसको भी पहले रख के चेक जरूर कर लें। इसे कवर करेंगे और फ्लेम फुल कर देंगे। 1 कटोरी में 1 पिंच हल्दी डालेंगे। दूसरी कटोरी में भी सेम 1 पिंच हल्दी डालेंगे। तीसरी कटोरी में हम 1 बड़ा चम्मच ग्रीन चटनी का डालेंगे। ग्रीन चटनी डालने से इस नाश्ते में चटपटा टेस्ट आएगा, जो कि बहुत टेस्टी लगेगा। और चौथी कटोरी में हम 1 बड़ा चम्मच केचप का डालेंगे। केचप डालने से भी टेस्ट और बढ़ेगा। बड़े वाले बाउल को हम ऐसे ही छोड़ देंगे। इसमें अभी हम कुछ भी ऐड नहीं करेंगे। अब इन सबको 1 बाय 1 मिक्स कर लेंगे। आप चाहें तो यहाँ पे कलर्स का भी यूज कर सकते हैं, या फिर कुछ और, जैसे आप ग्रीन चटनी की जगह पालक को ब्लांच करके भी डाल सकते हैं, और टोमेटो केचप की जगह आप चुकंदर को ब्लांच करके भी डाल सकते हैं। ये भी दोनों हेल्दी ऑप्शन हैं। कंटेनर को भी हमने अच्छे से ऑयल से ग्रीस कर लिया है। ग्रीसिंग अच्छी होगी तो नाश्ते को निकालने में परेशानी नहीं आएगी। स्टीमर से कवर हटा लेते हैं। देखिए पानी अच्छे से बॉयल हो रहा है। अब हम 1 कटोरी लेंगे जिसमें हमने हल्दी डाली थी। इसमें हम 1/8 टीस्पून इनो डालेंगे और अच्छे से मिक्स करेंगे। कंटेनर को स्टीमर के ऊपर रखेंगे और इसे डाल देते हैं। इसे अच्छे से फैला लेंगे ताकि एक लेयर बन जाए। ये देखिए प्रॉपर लेयर बन गई है, तो इसे कवर कर देंगे। 3 से 4 मिनट के लिए स्टीम होने देंगे। 3 से 4 मिनट के बाद हम चटनी वाला बैटर लेंगे और 1/8 टीस्पून इनो डाल देंगे और अच्छे से मिक्स करेंगे। अब इसे ओपन करते हैं। ये देखिए हल्दी डालने से इसका कलर येल्लो हो गया है। फिंगर से टच करके देखेंगे, देखिए बैटर बिल्कुल नहीं चिपक रहा, मतलब एक लेयर बन गई है। तो अब हम ग्रीन वाला बैटर डाल देंगे जिसमें हमने इनो डाली है, और अच्छे से फैला देंगे। आप इसे स्पैचुला से भी फैला सकते हैं, या फिर कंटेनर को पकड़ के थोड़ा सा हिला दें। ये काम थोड़ा ध्यान से करना है। अब इसे भी कवर करेंगे और 3 से 4 मिनट तक कुक होने देंगे। फ्लेम हमें फुल रखनी है। 3 मिनट हो गए हैं तो हमने अभी प्लेन वाला बैटर ले लिया है जिसमें हमने कुछ नहीं मिलाया था। 1/8 टीस्पून इनो डालेंगे और मिक्स करेंगे। स्टीमर ओपन करते हैं और ये देखिए कुक हो गया है। बैटर डालेंगे और इसे भी एक लेवल पे कर लेंगे। अब इसे भी कवर करेंगे और 3 मिनट के लिए कुक होने देंगे। केचप वाले बैटर में इनो डालेंगे और मिक्स करेंगे। ये देखिए ये भी कुक हो गया है, फिंगर पे नहीं लग रहा। केचप वाला बैटर डालेंगे और एक लेवल पे कर लेंगे, और फिर से इसे कवर कर देते हैं और 3 मिनट के लिए कुक होने देंगे।
3 मिनट के बाद वापस से हम हल्दी वाला बैटर लेंगे जिसमें हमने हल्दी डाली थी। इनो डालेंगे और मिक्स करेंगे। ये भी कुक हो गया है तो इसके ऊपर हम हल्दी वाला बैटर डालेंगे, फैलाएंगे और कवर करेंगे। अब इसे हम 12 से 15 मिनट के लिए फुल फ्लेम में स्टीम होने देंगे। आपको ये भी ध्यान रखना है कि कढ़ाई में पानी खत्म ना हो जाए। अगर खत्म हो गया है तो थोड़ा सा गर्म पानी और डाल दें ताकि प्रॉपर स्टीम बनती रहे और हमारा नाश्ता अच्छे से स्टीम हो। 15 मिनट हो गए हैं तो अब इसे हम ओपन कर लेते हैं। नाइफ डाल के चेक करेंगे। देखिए नाइफ क्लीन है, इट मीन्स नाश्ता अच्छे से कुक हो गया है। अब इसे निकाल लेते हैं और ठंडा होने देंगे। गरम निकालने से कई बार ये टूट भी जाता है। 5 से 7 मिनट ही हुए हैं और ये देखिए थोड़ा सा ठंडा हो गया है। कंटेनर के साइड साइड पे नाइफ घुमा लेते हैं। एक प्लेट को उल्टा करके रखते हैं और कंटेनर को पलट लेते हैं। हल्का सा टैप करेंगे और धीरे से कंटेनर को उठा लेंगे। वाव, ये देखिए कितना सुंदर कलर आया है। कलर वेरिएशन आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। इसे कलर के लिए कहाँ बनानी है ये आप अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं। और ये देखिए कितना सॉफ्ट बना है। अब इसे हम एक ट्विस्ट देंगे। इसे अंदर से सॉफ्ट और बाहर से क्रिस्पी करेंगे जिससे कि इसका टेस्ट और बढ़ जाएगा। अभी तक इसमें हमने 1 चम्मच ऑयल डाला है। 1 चम्मच ऑयल में हमने 4 से 5 लोगों के लिए नाश्ता बनाया है। एक तवा लेंगे और उसमें 1/2 चम्मच ऑयल डालेंगे। 1 पिंच हींग डालेंगे। हींग ऑप्शनल है, आप डालना चाहें तो डालें, नहीं तो स्किप कर दें। 1/2 टीस्पून राई, आप इसकी जगह पे मस्टर्ड सीड भी डाल सकते हैं। थोड़े से कड़ी पत्ते भी डाल देती हूँ, आप चाहें तो इसके साथ हरी मिर्च भी डाल सकते हैं। फ्लेम लो रखेंगे और ब्रश की हेल्प से इसे फैला लेते हैं। इसके ऊपर हम बहुत ध्यान से नाश्ता डाल देंगे। इस नाश्ते को लो फ्लेम पे थोड़ा क्रिस्पी होने देंगे। अब इसकी ध्यान से साइड पलट लेते हैं। वाव, ये देखिए साइड से कितना क्रिस्पी हो गया है। अब दूसरी साइड से भी इसे क्रिस्प कर देते हैं और ये देखिए दूसरी साइड से भी कितना क्रिस्प हो गया है। ये नाश्ता बहुत ही टेस्टी बना है और देखने में तो बहुत ही सुंदर लग रहा है। अब फटाफट से इसे कट कर लेते हैं। मैं अपनी सोशल मीडिया फैमिली से कहना चाहूंगी कि हम ये वीडियोस बहुत मेहनत से बनाते हैं। आप अपने फीडबैक हमें जरूर दिया करें और यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।